धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर जो भारत में किस प्रकार से क्या हाल चल रहा है ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर आंदोलन पढ़ाई के लिए होते नहीं है, यहाँ पर आंदोलन रोजगार के लिए होते नहीं है। कब, कैसे और किस तरह से आपके दिमाग में आइडिया आया कि मैं जागरण करके कुछ ऐसा करूँ ताकि मैं एक माध्यम बन सकूँ हजारों लाखों लोगों के रोजगार प्राप्ति का जरिया बन के लोगों के बीच में आऊँ? सर, मैं शुरुआत में जब अपनी तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब लगने की, तो उसी टाइम पर मुझे मौका मिला पढ़ाने का। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसी टाइम पर जो है मेरे सामने था कि मैं पढ़ाऊं या अपनी तैयारी करके नौकरी लग जाऊं। तो शुरुआत में तो पूरा रुझान था तैयारी करके अपनी नौकरी लग जाऊं, लेकिन धीरे 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 जो है ना, जैसे मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया। और सच्ची सी बात यह है कि पढ़ाया, जब मैं पढ़ाता था तो उसमें सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमाई थी, ईमानदारी से, मेहनत से। मेहनत करने में मुझे दिक्कत नहीं थी, ईमानदारी मुझे अच्छी लगती है, सच्चाई बोलना जो है ज़्यादा सही रहता है, उस कारण से जो है चीज़ें जो है बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई हैं और इस प्रकार के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर, तो एक कंसेप्ट निकला, उस पर आपने काम किया, एक ब्रांड आपने उतारा, तो उस कंसेप्ट को धरातल पे उतारने में और उसको लागू करने में कोई किस तरह की आरंभिक तौर पर कोई शंकाएं रही होंगी मन में और उस पर किस तरह से आपने ओवरकम किया उनको? देखिए, शुरुआत में जो है ना, जैसे आपको जो है एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब आपको जो है ऑफिसर लेवल की मिल रही है, उसको छोड़ करके कोई नया रास्ता तलाशना तो जो काफ़ी ज़्यादा जो है मन में शंकाएं होती हैं, डर होता, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो है मैं उससे ओवरकम मैंने इसलिए किया, एक नौकरी जब तक मैं ज्वाइन करता तब तक अगली नौकरी का नंबर आ लेता था, जब तक वो होता था फिर अगली का नंबर आ लेता था, क्योंकि एक टेस्ट होने के, पास होने के और उसकी ज्वाइनिंग होने के बीच में साल भर का समय होता है, तब तक और पेपर होता, वो पास हो जाएगा, मैं ये सोचता था कि अगली बार ज्वाइन कर लूँगा, अब की बार नहीं तो अगली बार ज्वाइन कर लूँगा, अगली की बार नहीं तो अगली नौकरी में ज्वाइन कर लूँगा। तो इस प्रकार से मैं लगातार सोचता रहा और ऐसा सोचने के इस सफर में ये जो है मुकाम खड़ा हो गया, ये ब्रांड खड़ा हो गया। एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से कहते हैं कि गन्ने के खेत में अगर कोई घुस जाए तो उसको गन्ना चूज करने में बड़ी एक तरह से लंबी मेहनत करनी पड़ती है, वही आपके साथ हुआ। नौकरी पे नौकरी की पेशकश आपके सामने आती रही और आप चूज करने की बजाय और आगे बढ़ते चले गए और अंतिम अंत में आपने जो है एक माध्यम बने आप और लोगों के लिए जॉब का जरिया तलाशने का। तो जो ये कंसेप्ट था सैटेलाइट के माध्यम से, जितना की मुझे जानकारी है ICS सेंटर के, तो ये आइडिया कैसे जन्म लेता है? सर, शुरुआत में मेरे मन में आइडिया ये आया था कि दिल्ली में बहुत सारे सेंटर थे, सोनीपत में पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं, सोनीपत में सेंटर चलते ही नहीं थे। जब मैं दिल्ली पढ़ा रहा था तो धीरे धीरे जो मैं ये सोच रहा था कि मैं, मेरे लिए एक जो बढ़िया रास्ता हो सकता है कि मैं सोनीपत में, जहाँ पर मैं जन्मा था, जहाँ पर मेरे जो है जीवन बीता था, जहाँ पर मैं जो बड़ा हुआ था, पला बड़ा था, सारी बातें थी, तो वहाँ पर अगर मैं काम करूँगा, अपने लोगों के बीच में अगर काम होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा और घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस लालच के साथ सोनीपत में शुरू किया 2008 में, 100% रिजल्ट आया। फिर 2009 में फिर 100% रिजल्ट आया। फिर 10 में फिर 100% रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट लगातार आता चला गया, तो उसके चलते हुआ क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत आए आए, उसके साथ साथ फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी लोग आए, ब्रांच लेने के लिए भी लोग आए कि जो आप हमारी ब्रांच दे दो। मैं उनको बोलता था कि मैं ब्रांच तो दे दूंगा लेकिन पढ़ाएगा कौन वहाँ? सिर्फ मेरा फोटो लगाने से बच्चे सेलेक्ट थोड़े होंगे, बच्चे सेलेक्ट होते मेरे पढ़ाने से। तो उसके बाद जो है उनके पास कोई आंसर होता नहीं था और जो है मैं इस प्रकार से लोगों को धोखा दूं तो मैंने जो चलाया नहीं। 2014 में CCTV कैमरे लगवाए थे हम लोगों ने अपने ऑफिस में, तो उन्होंने कहा भाई नेट के माध्यम से आपको इनको फ़ोन पे देख सकते हो। मैंने कहा उसमें आवाज़ भी आएगी? बोला हाँ आवाज़ भी आ जाएगी। मैंने फिर इसको लैपटॉप पर भी चला सकते हो? बोला उस पर भी चल जाएगा। मैंने कहा दिखाओ चला के। उन्होंने सक्सेसफुली इसको चला के दिखा दिया। हमें लैपटॉप से बस एक प्रोजेक्टर का तार और जोड़ना था और ये ब्रांच की शुरुआत के लिए जो है कहानी ये बन गई। तो होम एडवांटेज के साथ आपने एक लिमिटेड लेवल पे अपने ही शहर में शुरू करते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, आप अपने ज़िले से बाहर निकलते हैं, फिर राज्य से बाहर निकलते हैं और देश भर की अलग अलग राज्यों में आपके इस समय ICS सेंटर चल रहे हैं जी। तो कुछ आइडिया राउंड फिगर में बता सकते हैं कि आपके सेंटर से निकल कर कितने लोग जो हैं अब तक, खासकर जो पब्लिक सेक्टर का यानी कि सरकारी जॉब में जा चुके हैं? सर, 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना सिलेक्टेड हैं, ऐसा हमें जो है अनुमान है। अलग अलग ब्रांचेज में बात करते हैं तो 1000-2000 जो है एक ब्रांच से जो है सिलेक्टेड है। हमारे जैसे 100 से ज़्यादा तो हरियाणा में ब्रांचेज है। पूरे देश में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अधिकतर डिपार्टमेंट्स में आपको जो है ICS के स्टूडेंट मिल जाएंगे। हरियाणा के तो हर एक छोटे बड़े हर एक ऑफिस में जो है ICS के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है हर जगह पर ICS के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जो कि पढ़ के तैयारी करके और सेलेक्ट हुए हैं ईमानदार तरीके से। तो
एक तरह से जैसे सेंटर की बात करते हैं, चलो ठीक है, आप वहाँ से एयर करते हैं जो भी ट्यूटोरियल्स हैं या क्लासेस हैं, तो जो सेंटर्स हैं उनके अंदर किसी तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी को किस तरह से चेक करते हैं आप? सर उसमें जो ना, जैसे हम लोग जो जिनको ब्रांच देते हैं, जिनको फ्रेंचाइजी देते हैं, तो उन लोगों को इतनी ट्रेनिंग देते हैं उस तरीके से हम बताते हैं, और फिर क्लास में बच्चों को बताते हैं कि देखो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा तो सही है, ऐसा नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो हम बच्चों को जो है ना सारे के सारे जो है इसमें जो है उनको सारे कट्स और जो है तरीके बता देते हैं इस कारण से। फिर जो हम पीटीएम करते हैं, पीटीएम के अंदर जो है पेरेंट्स को बता देते हैं कि आपके ये राइट्स हैं और ये हम सुविधाएं दे रहे हैं आपके बच्चे को, अब अगर इतना आता तो मामला सही है, नहीं तो नहीं है, ये बातें करते हैं। जॉब की बातें हो चुकी, फाउंडिंग की बातें हो चुकी, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की बातें हो चुकी, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा मैडम करने से पहले, कि एक आम बात हिंदुस्तान में प्रचलित है कि प्रत्येक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी औरत का हाथ होता है, आप अपनी बात बताइए। सर मेरी माँ ने जो है जैसे हम लोगों को बचपन से ईमानदारी से मेहनत करना, सच बोलना, सही रास्ते पर चलाना, मेरी माँ ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया और उसके चलते हम सभी भाई बहन सफल हैं। बात करें एक और औरत की, तो मेरे साथ जो है मेरी धर्मपत्नी लगी रहती है, अब जो मैं यहाँ पर जो है घूम रहा हूँ आप लोगों के बीच में असंध में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं बच्चों के साथ दिल्ली गया हुआ था घूमने के लिए, कभी हम क्लास पढ़ाते रहते हैं, तो पर्सनल लाइफ का तो जो है उन्होंने जो है कुर्बानी ही दे दी है और मैंने भी कुर्बानी दे ही रखी है, लगातार इसके ऊपर लगे रहते हैं, कभी जाते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो जो है ये लगा लीजिए जो उन संतों का काम कर रहे हैं भाई, अलग अलग जगह पर जाकर के अलग जगाना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर लगाना, और फिर कभी क्लास में जा करके पढ़ाते हैं हम जो है। जैसे कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब मैं जो कह नहीं सकता, पर जो स्वामी विवेकानंदा जो काम करते थे अलग अलग पूरे देश में, उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को जगाया, तो भला उसी रास्ते के ऊपर जो है आप चल रहे हो, कभी हम बिहार जाते हैं, कभी यूपी जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाते हैं, कभी बांग्लादेश बॉर्डर पर जाते हैं, तो पूरा हर जगह पर घूम घूम करके बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर एक अलग जगह रहे हैं कि शिक्षा से ही देश बदलेगा, शिक्षा से ही आदमी बदलेगा, शिक्षा से ही समाज बदलेगा। ये देश अगर विश्वगुरु बनेगा तो सिर्फ शिक्षा से। तो आपने जो मेरे से पूछा, मेरे पीछे जो है कामयाब करने के पीछे, तो मेरी माँ का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, और फिर जो धर्मपत्नी होती है वो जो है बार बार फोन करके ऐसे नहीं पूछती है कि कहाँ पहुँच लिए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, हमारा पर्सनल टाइम कब मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में जो है सहायता मिलती है, और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है बच्चों को पढ़ाती है, तैयार करवाती है। एक हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, शायद आपको जानते हैं, रोहित कुमार हैं, राम राम कह रहे हैं आपको। राम राम रोहित जी, और सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे कि पिछले कुछ सालों से जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे किस प्रकार से आप और शिक्षा स्तर को? सर जो है ना, जैसे ये जो लगातार पढ़ाई जो है का स्तर नीचे गिरता गया, लगातार गिरता गया, तो तभी हम लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोग गांव गांव में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो ये गिरता हुआ स्तर है ना इसको नहीं गिरने देंगे। जो है किसी चीज़ का इलाज तो यही है ना, जो बीमारी फैलती जा रही है आप उसका जो इलाज लाइए। तो गाँव गाँव के अंदर हम जो सिर्फ जो है बातें बातें नहीं करते, गाँव गाँव में ब्रांच खोली जाएगी और इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई उसमें करवाई जाएगी, नीट होगा, जेई होगा, वहाँ से जो है डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एयर फोर्स में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, टीचर्स बनेंगे, पूरे देश के एक एक गांव से बड़े बड़े पदों पर हम लोग पहुंचाने का रास्ता क्लियर कर देंगे, और हर जगह पर बेसिक एजुकेशन बहुत सस्ती कॉस्ट पर हर जगह पर पहुंचाएंगे, और इस रास्ते पर शिक्षा का सतर सुधरेगा। ये सरकारी नीतियाँ होती हैं जिसके कारण ये दिक्कत है। नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी ने बच्चों को पढ़ाई से बिल्कुल दूर कर दिया, ना तो टीचर्स बच्चे को डांट सकते, ना उसको पीट सकते, ना उसको धमका सकते, ना उसको फेल कर सकते, अब कोई डर है ही नहीं बच्चे को तो पढ़ेगा क्यों। और इतना जो है जागृत समाज भारत का है नहीं, आप लोग अपने से लगा लीजिए, मेरे से लगा लीजिए, हम लोग तो पिट पिट करके पढ़े हैं, और पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अपने खून का पानी बना करके हम लोगों को पीट पीट करके और तब जो कामयाब बनाया, वरना आज हम भी कहीं ना कहीं जो नशे के शिकार होते या कहीं ना कहीं किसी अपराध में पुलिस हमारे पीछे भाग रही होती। तो हम लोग जो है जैसे उन सारी गलत रास्तों से बचा करके पेरेंट्स ने और टीचर्स ने हम लोगों को कामयाब बनाया, तो वही रास्ता आगे भी बच्चों के सामने है, उनको भी पेरेंट्स को और टीचर्स को मिल करके, चाहे उनको सख्ती करनी पड़े चाहे प्यार से समझा करके, उनको कामयाब करना पड़ेगा, उनको सही रास्ते पर लगाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो सरकार ने मॉडल शुरू किया कि ओवरबर्डन ना करो, नो बैशिंग, नो स्कॉल्डिंग, नो कैनिंग, तो कहीं ना कहीं एकदम इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए था। सर इसको लागू किया ही नहीं जाना चाहिए था। भारत में जो ना जैसे बंदर के हाथ में बंदूक देना वो अपने आप को ही मारेगा,
तो भारत में इस प्रकार का जो अभी माहौल कहाँ है कि लोग पढ़ाई के प्रति इतने अवेयर हैं, लोग पढ़ाई के प्रति जो सारा सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर दसवीं मुश्किल से करवानी पड़ती है क्योंकि जो है बिना उसके लाइसेंस नहीं बनेगा। दसवीं यहाँ पर जो मुश्किल से करवानी पड़ती है लोगों को, वरना जो है हो क्या रहा है, स्कूलों में बातें क्या चल रही हैं। स्कूलों में यहाँ पर राशन खाने के लिए लोग जाते हैं। MP में मैं एक बार गया हुआ था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कुपोषण मिटाना, बच्चों को स्कूल भेजना है। अब बच्चों को स्कूल कुपोषण के लिए, वो मध्यान्ह के आहार के लिए बात हो रही थी। तो एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर जो काम होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। और ये एकदम से लागू करने की बात नहीं थी। जो लोग जूत के यार हैं, जो लोग बिना पटे पढ़ते ही नहीं हैं, जो गांव का जो है अधिकतर क्राउड वैसा है, जो स्टबर्न है, जो टीचर्स की जो है टांग खींचता है, तो आप उनके ऊपर अगर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो जो पढ़ाने ही नहीं देंगे दूसरे लोगों को। और मैं आपको बताऊं, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था और आज में तो एजुकेशन का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया, नेगेटिव हो गया। शर्म आती है अपने आप को कि लोग टीचर्स क्या कर रहे हैं, और हम भी फिर टीचर कहें अपने आप को। तो हम गाँव में, छोटी छोटी बस्तियों में, शहर की हर कॉलोनी में इस प्रकार के सेंटर्स डेवलप करेंगे कि जो आदमी चाहता है वो सही से तैयारी करके अपना जीवन कामयाब बना सकता है बेहद कम फीस पर। जी सर, कुछ लोग आपको देख रहे हैं, कुछ आगे आपका आपको देखेंगे, तमाम वो अभिभावक और बच्चे जो हैं उनके लिए कुछ संदेश आप जरूर। सर देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ बनानी ना, अपनी जिंदगी बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा। किसी समाज को अगर जो है ना डेवलप करवाना है तो उस समाज के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर जो भारत में किस प्रकार से क्या हाल चल रहा है, ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर आंदोलन पढ़ाई के लिए होते नहीं है, यहाँ पर आंदोलन रोजगार के लिए होते नहीं है, यहाँ पर आंदोलन होते हैं मंदिर मस्जिद के लिए, यहाँ पर आंदोलन होते हैं झंडे उठा करके बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इस प्रकार के जो लोग ये है ना, भारत के लोगों को जो कावड़ में लगाया जाता है, यहाँ के भंडारों में लगाया जाता है, यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई करके रिसर्च पर, इनोवेशन पर, नई नई डेवलपमेंट पर, इन पर लगाया नहीं जाता है। किस स्कूल में, मैं आप तो जो हर जगह जाते हो गए, किस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये बात होती है कि हमने नए इनोवेशन पर स्टूडेंट्स को लगाया है, बच्चों का दिमाग खोलने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा, और कहीं कहां पर आपको प्रयास दिख रहा है? मुझे तो वेरी सॉरी टू से दिख नहीं रहा है। इस कारण से हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को इनोवेशन के रास्ते पर ले जाएं, बच्चों को पढ़ाने के रास्ते पर ले जाएं। अब तक हम तैयारी करवाते थे सरकारी नौकरी की, अब हम बच्चों को जब 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ाएंगे ना, तो यही टाइम होता बच्चे का एजुकेशन लेने का। तो उस टाइम पर बेसिक एजुकेशन को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो धर्म के रास्ते पर, जाति के रास्ते पर, समुदायों के रास्तों पर जो है ना चले, वो मार काट के उन रास्तों पर ना चले, आपसी घृणा के रास्ते पर ना चले, पढ़ लिख करके वे एक कामयाब इंसान बनते हुए एक रैशनल, एक तार्किक समाज का निर्माण करें, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। तो जिस तरह की इस समय प्रायोरिटीज हैं, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो या पेरेंट्स के लेवल पे हो, उनके चलते क्या लगता है कि आपको जो आपका विजन है निकट भविष्य में पूरा होगा? सर निकट भविष्य में नहीं होगा, लेकिन हम जो है एक अच्छे काम के लिए हम काम ही ना करें वो कौन सी बात हुई। जंगल में आग लगी हुई है और एक चिड़िया जो है जाकर के उस आग को बुझाती है, तो एक कौवा कहता है ये पागल चिड़िया तू ये कर क्या रही है, वहां जाके जल जाएगी। बोला चाहे मैं जलूं चाहे मरूं, चाहे आग बुझे और चाहे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो उस टाइम पर यह बात होगी कि एक पागल चिड़िया चौंच भर भर के उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी, ना तो बैठ करके इंतजार कर रही थी कि कब ये जंगल जलेगा, और ना वो उसको और ज्यादा भड़का रही थी, और ज्यादा प्रोवोक कर रही थी। साहब देश आजाद जब हुआ ना, तो देश आजादी के दौर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने बड़ा काम किया। उस टाइम पर थोड़ी लगता था कि ये इतना बड़ा काम करेंगे। आज हम जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन बातों को, जिसमें आज के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो सबको रास्ता दिखता है। अब कहीं कोई रास्ता ही नहीं तो जहाँ जैसे चल रहा है वैसा चलेगा? आप एक रास्ता दिखाओगे, राह चलेगी, तभी तो बात बनेगी। और आपने मेरा जो पूरा प्रोग्राम देखा होगा, बच्चों का प्यार देखा होगा, कि आपको उम्मीद नहीं जगी कि निकट भविष्य में हम लोग एक बहुत मजबूत भारत का निर्माण करने की दिशा में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा सकते हैं? तो आपको रिजोल्व है एक तरह से कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो एक फर्म शुरुआत हो चुकी है? सर आप जो है असंध में मुझे बुलाइए, आप सफीदों में मुझे बुलाइए, जींद में बुलाइए, और वहाँ के युवाओं को, हजारों युवा इंतजार करते हैं कि परिमल कुमार आए कहीं पर। मैं अभी आपके सामने स्टेटस लगाता हूँ अपने फोन पर, और तुरंत से बच्चों के तुरंत से वो आएंगे कि आप हमारे यहाँ तो आना मत कभी भी।
तो इस प्रकार से जो ये टीचर को सम्मान मिल रहा है, जो ये प्यार मिल रहा है और जो ये चीजें मिल रही हैं, तो ये जो है उस दिशा में संकेत हैं कि देश में एजुकेशन सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है, और चाहते ही युवा सही रास्ते पर चलना, पढ़ना लिखना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, और ये मुझे पूरे संकेत इस पर मिलते हैं। और सभी बच्चे तो बोलते हैं सर हमें आप पर गर्व है। आज के टाइम पर युवा किसके पीछे चलेगा, किसी हीरोइन के पीछे चलेगा, किसी बाबा के पीछे चलेगा, किसी पीछे जाएगा। हाँ, तो आजकल हो क्या रहा है, एक टीचर के पीछे इतना क्राउड, इतना युवा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लाइव जुड़े थे आप हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सर।